आज मैं आपके साथ ऐसी भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप एक बार तो क्या हमेशा बनाने की मन करेगा आपको और दिल चाहेगा कि भिंडी को ऐसे ही बना के हम खा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। तो मैं हूँ सफ़ीना और वेलकम करती हूँ आपको सफ़ीना इजी किचन में। तो आज मैं आपके लिए भिंडी की रेसिपी लेके आई, एकदम यूनिक और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक देखे, अच्छी लगे तो लाइक कर दे और सफ़ीना इजी किचन को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी लिया है। तो भिंडी जो लिया है मैंने छोटे छोटे साइज में लिया है, इससे और भी छोटा होगा तो ये भिंडी और भी अच्छा बनेगा। तो मुझे मीडियम साइज़ की भिंडी मिला यहाँ पर, तो मैंने वही लिया है। भिंडी को अभी मैंने धोया नहीं है, तो इसको हम कट करेंगे कैसे तो आपको मैं दिखा दूँ पूरी तरह से। इसका जो लास्ट का जो पोर्शन है एकदम डीप करके नहीं काटना है हमें। अगर इसको हम डीप करके काटेंगे तो अंदर का जो इसका रस है वो बाहर आ जाएगा, तो उसके कारण हमारी जो भिंडी है ना वो बहुत ही चिपचिपापन बनेगा। इसीलिए हमें अंदर का वो डीप करके नहीं काटना है, बस हल्के हाथों से चाकू चलाते हुए इसका मोटे वाला जो छिलका टाइप की जो होते हैं उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से क्या है ना, हमारी भिंडी जो है ना बिल्कुल चिपचिपापन नहीं बनेगा और भिंडी जो है ना खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है ये भिंडी। तो देखिए मैंने इसी तरह से सभी भिंडी का लास्ट पोर्शन का मैंने इस तरह से काट लिया है। इसको हम इसको धो लेंगे, अभी 3 से 4 पानी से इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसको धोने के बाद इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज की प्याज, और प्याज को थोड़ा सा मोटे मोटे इसको चॉप करेंगे, मोटे मोटे चॉप करना है। और 2 टमाटर लिया है मैंने और हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची आप यहाँ पर अपने तीखा के हिसाब से डालिएगा, और थोड़ा सा ये भिंडी स्पाइसी होता है तो खाने में और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्ची लिया है। हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और टमाटर जो मैंने लिया है, टमाटर को भी हम मोटे मोटे साइज में इसको काटेंगे। फ्रेंड एक बार तो ये भिंडी की रेसिपी आप लोग मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये भिंडी, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो ट्राई एक बार ज़रूर करना। भिंडी तो आप बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन ये तरीका से आप भिंडी को ज़रूर ट्राई करना। ये भिंडी की रेसिपी जितनी ही देखने में अच्छी लग रही है उतने ही खाने में ये स्वादिष्ट है, तो ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए टमाटर को भी मैंने यहाँ पर मोटे मोटे साइज में कट कर लिया है, और यहाँ पर अभी मैंने लिया है चॉपर। तो आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इसको चॉप कर सकते हैं, तो मैं इसको चॉपर से चॉप करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के मैंने लहसुन लिया है, उसका छिलका उतार लिया है, और एकदम मुट्ठी भर करके यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है। तो यह 2 ही चीज़ जो होता है ना मेंट होता है ये भिंडी के लिए, इसका फ्लेवर जो है ना लहसुन का और हरी मिर्ची का तो कहीं गुना इसका स्वाद और खुशबू जो है ना बढ़ा देता है। तो ये डालना ही डालना है आपको। तो मुट्ठी भर हरा धनिया लेकर यहाँ पर मैंने चॉप कर दिया है, और इसको अभी हम चॉपर में डाल के इसको हम और भी चॉप कर लेंगे। इसको दर दर से चॉप करना है, और ये 2 चीज़ ज़रूर डालना फ्रेंड। इसका जो फ्लेवर है ना, इसका जो खुशबू है ना भिंडी का, आपका बहुत ही स्वादिष्ट बना देगा। तो देखिए इसको मैंने मोटे मोटे में इसको मैंने दरदरा सा कर लिया है। आप चाहे तो इसको चाकू की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, तेल को गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया, और जो हमने प्याज करके कट के रखे हैं प्याज को हम डाल देंगे। और साथ ही में मैंने हरी मिर्ची को भी डाल दिया है, और डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसको हमें पूरा फ्राई नहीं करना है पूरी तरह से, बस हल्का सा इस प्याज हमारी मुलायम हो जाएगा इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है, कलर नहीं लाना है प्याज में। और इसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा कलर के लिए। और लाल मिर्ची का पाउडर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये मिक्स कर लिया है मैंने, उसके बाद है ना यहाँ पर हम भिंडी को डाल देंगे। और भिंडी डालने के बाद इसको हमें थोड़ी देर चलाते हुए इसको हमें मिक्स करते रहना है, ताकि हमारी भिंडी जो है थोड़ा सा हल्का सा मुलायम हो जाए और जो हमारी प्याज है इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसको पका लेंगे।
और भिंडी बनने के बाद इसमें एक और भी मैं चीज़ डालूंगी, उसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। और वीडियो अगर देखते देखते यहाँ पर अगर पहुँच गए हैं आप, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक से कुछ नहीं जाता है आपके, बस एक लाइक कर देना हमें ताकि खुशी होती है, और एक लाइक से आपके हमें बहुत ही मोटिवेट मिलते हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए, देखिए मीडियम आंच पे ही मैंने इसको पकाया, बिल्कुल पानी नहीं डाला है, पानी बिल्कुल आपको डालना नहीं है, और बस भिंडी का जो भी रस बाहर आएगा उसी की मदद से ये गल जाएगा, और इसको कवर कर देंगे तो पसीना तो आ ही जाता है, इसके कारण ये हमारी भिंडी एकदम मुलायम हो जाता है। और भिंडी मेरी ताज़ा था तो इसके लिए और भी जल्दी ये गल गया है। जैसे हमारी भिंडी गल जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा, तो उसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारी भिंडी जो है एकदम अलग अलग ना हो जाए, भिंडी बिखर ना जाए, भिंडी हमारी अक्खा रहना चाहिए। ये भिंडी खाने में अक्खा ही अच्छा लगता है। तो इसको देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, उसके बाद जो है ना हमने जो चॉप करके रखा है हरा धनिया और लहसुन उसको डाल देंगे, और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर और हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको अभी कवर नहीं करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको लो आंच पे ही पकने के लिए दिया था। तो देख सकते हैं जो भी इसका पानी था ड्राई हो गया है पूरा तरह से, और हमारी जो हरा धनिया और लहसुन है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर पक गया है, और इसका फ्लेवर भी आ गया है इसमें। और इस पॉइंट में तो आप भिंडी को जब फ्राई करेंगे ना धनिया और लहसुन डाल के, इतनी अच्छी खुशबू आएगी इसमें, बहुत ही अच्छे सा खुशबू आ रहे हैं इस पॉइंट में। और इसको थोड़ी देर और भी हम इसको मिक्स करते हुए इस तरह से चला लेंगे, और उसके बाद जो है ना इसका थोड़ा सा और भी स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 चाय के चम्मच के करीब सोया सॉस। इससे ना बहुत ही टेस्टी आएगा और एक बहुत अच्छे सा खुशबू भी आएगा, ये ज़रूर डालना। और नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास मैगी मसाला है ना वो भी आप डालेंगे ना, इसका काफ़ी स्वादिष्ट बढ़ जाता है। तो मैंने इसको बहुत तरीके से ये भिंडी की रेसिपी ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आया, इसके लिए मैंने आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर किया। तो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और घर वाले भी इतनी शौक से खाएंगे ये भिंडी तो आप खुद को बिलीव नहीं कर पाएंगे कि हमने क्या बना के खिलाया है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़े की भिंडी की रेसिपी बनके तैयार हो गया है। जो भी भिंडी खाना नहीं पसंद करते हैं आपके घर में, वो भी ये भिंडी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ज़रूर बना के दीजिए, ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल करें, ताकि मेरी न्यू अपलोड की वीडियो अब सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देख सकते हैं भिंडी हमारी कितनी मज़े की और कितनी टेस्टी यम्मी भिंडी बन के रेडी हुआ है। आपका दिल चाहेगा कि हम ऐसे ही खा जाए ये भिंडी को, ऐसा मन करेगा आपको। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूले, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहे, आबाद रहे, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।